वाइटिंग एंटरटेनमेंट श्रृंखला दीप महोत्सव की पांचवी कड़ी में आज हम बात करेंगे यम द्वितीया यानी भाई दूज की। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और पांच दिवसीय त्यौहार के पांचवें दिन मनाया जाता है भाई दूज का पर्व। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। इस दिन बहनें घर में गोबर से भाई दूज परिवार का निर्माण कर उसका पूजन अर्चन कर भाई को तिलक लगाती हैं और उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं, साथ ही उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई दूज से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग तरह से मनाया जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव की पत्नी छाया की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से स्नेहवश निवेदन करती थी कि वे उसके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना अपने द्वार पर अचानक यमराज को खड़ा देख कर हर्ष विभोर हो गयी। उन्होंने खुशी खुशी भाई का स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। तब बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमपुरी चले गए। तब से ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें और उनकी बहन को यम का भय नहीं रहता। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की दीप महोत्सव श्रृंखला की पांचवी कड़ी में आज हमने यम द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बात की। आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल वाइटिंग एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।